सो गाइस, आज हम देख रहे हैं लारावेल में फॉर्म वैलिडेशन कैसे किया जाता है लारावेल के मेथड्स को यूज करके, जो कि काफी सिक्योर रहेगा विदाउट जावास्क्रिप्ट के आपको यूज करना है। एंड देन विदाउट यू जावास्क्रिप्ट के यूज इसलिए हम करते हैं क्योंकि लारावेल में जो मेथड्स हैं वो काफी सिक्योरेबल हैं और जावास्क्रिप्ट से काफी बढ़िया चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़े से कोड में, जावास्क्रिप्ट में हमें काफी कोड करना होता है, लारावेल में हम छोटा सा कोड करके पूरा फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने web.php में एक राउटर सेट किया हुआ है लॉगिन नाम का, जिससे कि क्या है, लॉगिन जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो राउटर में आप डालोगे लॉगिन एंड देन आपका जो है फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको मेरी नज़र पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो है ऑटो फिल हो रहा है मेरा फॉर्म, एंड देन अगर मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ तो मेरा जो है डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने सेम पोस्ट नाम का भी मेथड यहीं पे यूज किया हुआ है, इसी लॉगिन पर पोस्ट राउटर भी लगाया हुआ है मैंने। एंड देन कंट्रोलर से मैं रिटर्न करा रहा हूँ जो मेरा जितना डेटा आ रहा है, जो कि इंडेक्स मेथड कॉल हो रहा है जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जब भी हमारा मेथड पोस्ट है तो। ठीक है, एंड देन लॉगिन blade.php फाइल है जिसमें मैंने यहाँ पर एक सिंपल फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें पोस्ट मेथड यूज किया हुआ है सेम लॉगिन पर, एंड देन यूजर नेम है, पासवर्ड है और लॉगिन है। ठीक है, तो हमें इसमें वैलिडेशन लगानी है, और आई होप कि आज की अगर आपने वीडियो ढंग से देखी तो आप कितना भी बड़ा फॉर्म हो उसे इजिली कर सकते हैं वैलिडेट। तो हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल यहाँ जाऊंगा मैं, लाइक मान के चलिए अभी जो है वैलिडेट नहीं कर रहा है, अगर मैं यूजर नेम नहीं डालता हूँ तो यहाँ पर यूजर नेम नल जा रहा है, तो मैं जाऊँगा कंट्रोलर में। एंड देन यहाँ पर आपको कोई भी क्लास इम्पोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है वैलिडेट नाम का एक मेथड है, तो $req वैलिडेट एक नाम का मेथड है जिसमें आप एरे पास करेंगे। तो एरे में क्या होगा, क्या एरे में की एंड पेयर वैल्यूज होंगी वो देखिएगा। तो यहाँ पर जो है लाइक मेरे जो फॉर्म का यूजर नेम है ये रहा, जो फॉर्म में अगर आप जिस भी इनपुट फील्ड पर आप रिक्वायर्ड लगा रहे हो तो ये जरूरी है कि उसका जो नेम है वही आप यूज करें। तो जैसा कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ यूजर नेम एंड देन एरो, आपको सेकंड पैरामीटर लिखना है रिक्वायर्ड, बस इसको सिंपल रिक्वायर्ड करने से क्या है आपका जो यूजर नेम जो है रिक्वायर्ड हो चुका है, अगर यकीन नहीं है तो अभी हम चलते हैं। एंड देन अभी देखिएगा अभी जो है हमारा सिंपल फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, अभी कुछ नहीं है, एक मिनट। सो गाइज, हम यहाँ पे चल रहे थे कि हमारा अगर यूजर नेम नहीं फिल करते हैं एंड देन सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि फॉर्म का जो वैलिडेशन है यहीं पे आ रहा है, मतलब फॉर्म लौट के यहीं पर आ रहा है अगर हम यूजर नेम एंटर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पर हमें कोई एरर वगैरह शो नहीं हो रही तो हम वो करा लेते हैं शो। तो लाइक मैं यहाँ पर जो है यूज करूंगा $errors एंड देन जितनी भी एरर्स होंगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड देन यूजर नेम खाली करता हूँ एंड देन लॉग इन करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है यूजर नेम द यूजर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमें रिक्वायर्ड लगा दिया हमने यूजर नेम पर, ऐसे सेम हम क्या करेंगे पासवर्ड पर भी लगा देंगे। तो हमारा जो है नेम क्या है पासवर्ड, तो एंड देन पासवर्ड यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्वायर्ड। तो गाइस हमने लिख दिया रिक्वायर्ड यहाँ पर, एंड देन हमारा जो है अगर मैं यहाँ से कुछ भी नहीं फिल करता हूँ लाइक यहाँ से भी नहीं एंड देन यहाँ से भी कट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेगा द यूजर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, पर ये देखिए अभी मैनर्स में नहीं है, मतलब सही वे में नहीं शो करा रहा है, हमें इसे कुछ अलग तरीके से शो कराना होगा। लाइक आप जैसे एक साथ ही इसे यहाँ पर LI में प्रिंट करा सकते हैं, अगर आप ऊपर प्रिंट कराते हैं, जैसे अगर आपने देखा हो कोई साइट चेकआउट पर होती है तो उसमें एक साथ ही टॉप पर फील्ड्स शो करा देता है कि ये फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। तो आपको करना क्या है, एट द रेट इफ यूज करना है एंड देन एट द रेट एंड इफ, जिसमें आपको पास करना है यहाँ पर $errors। ठीक है, जो आपका errors, तो मैंने यहाँ पर errors पास किया एंड देन यहाँ पर जो है इसका एरो लगाएंगे आप एंड देन एनी लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी एरर होती है तो यहाँ पर क्या होगा, फोर ईच लूप चलेगा हमारा, एट द रेट फोर ईच एंड देन एट द रेट एंड फोर ईच, और हमने यहाँ पर
चार्जर लगा लेते हैं, तो लग गया चार्जर। एंड देन एट द रेट एंड फूड रीच डॉलर एरर्स एज डॉलर डॉलर एरर्स ऑल लगाएंगे हम, क्योंकि हमें जितनी भी एरर्स हैं उनको लेना है, तो ऑल एज डॉलर ई आर। ठीक है गाइस, एंड देन यहाँ पर जो है आप एल आई में प्रिंट करा सकते हैं, एल आई एंड यहाँ पर आप प्रिंट करा दें डॉलर ई आर। ठीक है, एंड देन अब आप चेक कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ, दोनों को एम्प्टी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको भी हटाता हूँ, एंड देन लॉग इन। तो देख सकते हैं गाइस, मतलब अब सही वे में आ रहा है कि लॉग इन दोनों यूजर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम इसे चाहते हैं कि ये जो एरर्स हैं वो इनके नीचे सो, लाइक जो फील्ड्स हैं उनके नीचे तुरंत सो, तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से इसे हटा दीजिए, तो मैं आ जाता हूँ इसके जस्ट यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक स्पैन बना लेता हूँ, एक स्पैन बनाया जिसका स्टाइल कलर दे देता हूँ, जिससे कि वो हमें रेड कलर की दिखाई दे। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अगर आपको यहाँ पर एरर शो करानी है तो यहाँ पर आप लिखेंगे एट द रेट एरर, एंड देन यहाँ पर आप स्टार्ट करें जो आपका नेम है, लाइक अगर आपका जो है नेम है यूजर नेम, तो यहीं पर यूजर नेम लगाएं। एंड देन मिलती है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर डॉलर मैसेज। ठीक है, मैसेज यहाँ पर आप लिख देंगे, जो भी मैसेज होगा उसका वो यहाँ पर प्रिंट करा देगा। एंड देन एंड में आपको क्या करना है, यहाँ पर एट द रेट एंड एरर। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ से सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन पासवर्ड के नीचे लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो नेम है वो चेंज करूँगा, पासवर्ड किया मैंने, एंड देन यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, और मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ। लाइक देख सकते हैं गाइस, द यूज़र नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अगर आप थोड़ा इसमें br और यहाँ पे सेट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, एंड देन आप देखिएगा, तो मैं यहाँ से करता हूँ यूज़र नेम, एंड देन पासवर्ड भी कुछ नहीं डालता हूँ, एंड देन करता हूँ, तो द यूज़र नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पासवर्ड नहीं डालता हूँ, तो पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड द यूज़र नेम तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है, अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो यूज़र नेम है लाइक कितना होना चाहिए, कम से कम मैक्सिमम 10 तक ही होना चाहिए, और कोई नहीं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, पासवर्ड जो है मिनिमम 6 तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली वैलिडेशन हम लगा सकते हैं, यहीं पर जाएं आप, यहाँ पर और का सिंबल आप जैसे जानते होंगे, मिनिमम सॉरी मैक्स कॉलन 10 लगा देते हैं हम यूज़र नेम पर, एंड देन इसमें हम क्या करते हैं, मिनिमम लगाते हैं अपने पासवर्ड पर 6। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पर इसे सेव करते हैं, और हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। तो मैं यहाँ पर देखिए, यूज़र नेम जो है मेरा ज़्यादा है, मतलब मेल डाली हुई है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर बोल देगा द यूज़र नेम मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 10 करेक्टर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर उतना ही डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड देन पासवर्ड हम डालते हैं 1 2 3, मिनिमम हमारा होना चाहिए 6। तो द पासवर्ड मस्ट बी एट 6 लीस्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ऐसे आप यहाँ पर वैलिडेशन लगा सकते हैं, काफ़ी इजी है लारावेल में बजाय जावास्क्रिप्ट के द्वारा आप करोगे तो। देखिए, हमको सिंपली इतना ही काम करना है, मैक्सिमम मिनिमम चेक हो जाता है, ईमेल भी हम चेक करना बताएंगे अगर आप कमेंट्स करते हो तो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम उसके ऊपर बना देंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए इसे यूज़ करें। आई होप कि आपको पसंद आया, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड देन बेल आइकन जरूर दबा लें, हमारी नोड जेएस भी चल रही सीख सकते हैं।